हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मैं यहाँ पर एक चार्ट लेके ओपन करके मैं रखा हुआ हूँ, और इस चार्ट में कई सारे कॉलेज जो आपके CTI कॉलेज हैं, उन CTI कॉलेज की जो ट्रेड वाइज सीटें हैं वो आप लोगों को एक साथ एक व्यू में आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जो टॉप मोस्ट NHTI हैं, जहां पर आपका CTI कोर्स होता है। जब आप CITS का एग्ज़ाम आपने दिया था और आपके मन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई सवाल जरूर होंगे कि आपको CTI करना है तो कहां से करना है। यदि हम बात करते हैं यदि गवर्नमेंट कॉलेज की, यहां देख पा रहे होंगे ये सब जितने भी कॉलेज हैं वो NHTI हैं, जो कि आप देख पा रहे होंगे पहला चेन्नई, कालीकट, भुवनेश्वर, हैदराबाद, जोधपुर, लुधियाना, हल्द्वानी, मुंबई, देहरादून, हैदराबाद, हावड़ा, कानपुर। कानपुर इज टॉप मोस्ट NHTI इन ऑल कॉलेजेस। ठीक है ना, अब देखेंगे एक NHTI वूमेन, तो ये जितने भी कॉलेज हैं येलो वाले वो वूमेन कॉलेज हैं। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ लोग हैं, जितनी भी लेडीज़ हैं वो यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर एक आता है ITOT। ITOT हैं ये कुछ ही जगह हैं जहाँ पर देख पा रहे होंगे, भोपाल ITOT, लखनऊ ITOT। ठीक है, यहाँ पर आपका है तलचर ITOT है, देवनागरी ITOT यानी जो कर्नाटक में है, कर्नाटक में, हरियाणा में। तो ये रहे आपके ITOT, ये रहे आपके NHTI, ये रहे वुमेन कॉलेज, और ये रहे आपके प्राइवेट कॉलेज। क्या रहे ये प्राइवेट कॉलेज आपके, क्योंकि कोई ना कोई तो प्राइवेट ITI, जो प्राइवेट ITOTs होते हैं जो स्टेट में होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं आपके CTI का कोर्स कंप्लीट कराते हैं। तो ज़्यादा आप लोगों को परेशान होने जरूरत नहीं है, इन्हीं कॉलेजों में आप लोगों को एडमिशन लेना है। बस चूज़ करना है कि हमें किस स्टेट के हैं और किस ITI, किस CTI कॉलेज में हम एडमिशन ले सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, इस मैसेज को, इस पिक को मैं आप लोगों तक शेयर कर दूंगा, जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है RupeshWhat क्लासेस में, उस RupeshWhat क्लासेस में आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, या मेरे व्हाट्सएप में मैसेज करिएगा 7318160808 पर, हम आपको इस पिक की मैसेज कॉपी भेज देंगे। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं अपने NHTI कानपुर नगर के बारे में, NHTI कानपुर नगर के बारे में बात करते हैं, यानी कि यदि हम स्क्रीन पर जाएं तो ये है NHTI कानपुर नगर। ठीक है, यदि इसके बारे में बात करते हैं, आप देख पा रहे होंगे 40 सीट आपके कोपा में, कितनी सीट का कोपा में 40 सीट। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग 40 सीट कहाँ पर, ड्रेस मेकिंग में, 80 सीट आपकी इलेक्ट्रिशियन में, 12 और जितने देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी सीट हैं, और आपके यहाँ पर फैशन में भी, फिटर में भी 80 सीट है, फैशन में नहीं है, कानपुर में फैशन में नहीं है। और देख पा रहे होंगे मशीन ऑपरेटर, मशीन टूल में भी 40 सीटें हैं। ठीक है, 40 सीटें आपके मैकेनिक मोटर व्हीकल में है, जो स्टूडेंट्स आप लोग मैकेनिक मोटर व्हीकल के हैं, 80 सीट आपकी स्विंग टेक्नोलॉजी में है, यानी जो लोग स्विंग टेक्नोलॉजी में उनके लिए बहुत अच्छा मौका है, और 60 सीटें आपकी यहाँ पर हैं अब टर्नर की, और 60 सीटें वेल्डर की, कुल मिलाकर आपको 560 सीटें, कितनी 560 सीट आपकी कानपुर नगर में है। ठीक है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं देखा जाए कंपैरिजन, मदर कॉलेज कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा सीटें हैं, 560 सीटें हैं, पर हमको देखना होगा कि हमें किस ITI पर, किस CTI कॉलेज पर एडमिशन लेना है। ओके, चलिए, आप देख पा रहे होंगे कुछ लोग बच्चों का प्लान है कि वो चेन्नई जाएँ, कुछ बच्चों का प्लान है कि चेन्नई जाएँ, तो चेन्नई में क्या है देख लीजिए आप लोग, आपके सामने सब कुछ है। कारपेंटर की ट्रेड 80 सीटें हैं, देख पा रहे हूँ 80 सीट हो गई, आपकी कोपा की 40 सीटें हैं, सिविल की 80 सीटें हैं, 120 सीटें हैं इलेक्ट्रीशियन, बहुत ही ज़्यादा सीट इलेक्ट्रीशियन की हैं, कानपुर में तो सिर्फ 80 सीटें हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में भी सिर्फ 20 सीटें हैं, फिटर में 80 सीटें हैं, यानी कि इलेक्ट्रीशियन पर काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर महत्व दिया जाता है। देख पा रहे प्लम्बर, स्विंग टेक्नोलॉजी की सीटें हैं, तो वेल्डर की भी से अच्छी खासी सीट है, तो 820 सीटें, 820 सीटें हैं, यानी कि कई सारी सीटें हैं। तो मैं आप लोगों को इस पिक के माध्यम से आप लोगों को बता दूंगा कि आपके जो कॉलेजेस हैं, जो आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, कि ये आपके NHTI कॉलेज हैं, ये आपके वुमेन NHTI हैं, यहाँ पर वुमेन्स जितनी होंगी वो यहाँ पर एडमिशन ले सकती हैं, वो यहाँ भी ले सकते हैं और यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं, ये प्रॉपर वुमेन कॉलेजेस हैं। ठीक है, अब ये आपके ITOT जो है, ITOT जैसे लखनऊ, बोलो बोलते हैं मैं लखनऊ पर ज्वाइन करना चाहता हूँ या ज्वाइन करना चाहती हूँ, देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर
40 40 सीटें हैं देखा जाए तो कोपा और कॉस्टमोलॉजी की 40 40 सीटें हैं। 80 सीट की बात करें तो इलेक्ट्रीशियन में 80 सीटें यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, 80 सीट इलेक्ट्रीशियन पर है। कॉस्टमोलॉजी में 40 सीटें और कोपा में 40 सीटें हैं। ठीक है, यदि हम बात करते हैं यहाँ पर फिटर की तो फिटर के भी 80 सीटें हैं। यदि 80 सीटें बात करें हम लोग तो आरएसी की 80 सीटें यहाँ पर देख पा रहे हो स्क्रीन पर, ये आरएसी है यहाँ पर, ये फिटर है आपका, ये आपका इलेक्ट्रीशियन है। तो यानी कुल मिलाकर लखनऊ में भी काफ़ी जो अच्छी जो ट्रेडें हैं उनके बारे में। कटिंग स्विंग के लिए देखिए लड़कियों को कटिंग स्विंग भी यहाँ पर जा सकती हैं, कानपुर में जा सकती हैं, लखनऊ जा सकती हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि जो मैं आपको पिक दिखा रहा हूँ उसके माध्यम से आप लोग की बहुत चीज़ें क्लियर होगी। यदि मैं आपका स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको सेट कर दिया है, आप वो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को ये होगा कि हाँ आप सीट को देख सकते हैं किस कौन सी सीट कहाँ पर है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊंगा, पर इतना बताना कोशिश करूँगा यदि आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एनएसटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, ये आपकी ट्रेड दी गई हैं, आपकी ट्रेड के अकॉर्डिंग यहाँ पर सीटें दी गई हैं, ये सब सीट हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स दी गई है, यहाँ पर आप अपने सामने मिलान कर सकते हैं। यदि आप देखना चाहते हैं कि आपका देखिए यदि ये देखिए यदि हम बात करते हैं फैशन टेक्नोलॉजी की, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर कोई सीटें नहीं है, 40 सीटें आप कहाँ पर है नोएडा में हैं, 20 सीटें आपकी मुंबई में हैं, 20 सीटें आपकी कहाँ पर है कोलकाता में हैं। तो इस प्रकार से यदि आप पास के यूपी के तो नोएडा जाना पसंद करेंगे फैशन टेक्नोलॉजी के, और कहीं सीटें नहीं हैं और हर जगह दूर 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 हैं, शिमला में भी 20 हैं, जो लोग शिमला पसंद करते हैं तो वो लोग वहाँ पर जाके अपना ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों को मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, और जो बहुत बच्चों की डिमांड रहती है कि सर हमें फिटर से करना है तो फिटर के लिए मैं बता दूँ आपके लिए यहाँ पर देखिए चेन्नई में भी अवेलेबल है आपके लिए, हर एक के एनएसटीआई में अवेलेबल है, सिर्फ दो एनएसटीआई छोड़कर देहरादून और मुंबई के छोड़कर, ठीक है, और बाकी हर एक एनएसटीआई में यहाँ तो नहीं है, एक भी सीट नहीं है यहाँ पर, चार जगह हम चार या पांच जगह यहाँ पर भी है। यहाँ प्राइवेट सीटीआई जो करना चाहते हैं जिनकी रैंक कम आएगी वो प्राइवेट सीटीआई भी कर सकते हैं। तो उम्मीद करूँगा कि फिटर और जो आपके मैकेनिक मोटर व्हीकल हैं, डीजल मैकेनिक की बात करते हैं, डीजल मैकेनिक की क्योंकि पूरा मैंने दिखाया नहीं आप, ये भी आप अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को चीज़ें पता चल जाए, तो दो स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए इस प्रकार से, ठीक है, ताकि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। यहाँ से एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वेल्डर की काफ़ी अच्छी ट्रेडें हैं देख पा रहा हूँ, काफ़ी अच्छी सीट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं आपके सीटीआई कॉलेज में। ऑफिस मैनेजमेंट जो लोग स्टेनो करते हैं, देखिए ऑफिस मैनेजमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है हिंदी और इंग्लिश, ठीक है, देख पा रहा हूँ सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है ऑफिस मैनेजमेंट में जो हिंदी से हैं, हिंदी से देखिए कहीं पर सीट नहीं है, 40 सीट है, ये 40 सीटें कहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ये 40 सीटें आपको मिलेंगी सिर्फ और सिर्फ जयपुर में। तो जो स्टेनो के जो बच्चे हैं उनको 40 सीट मिलेंगी कहाँ पर, जयपुर में, जयपुर में मिलेगी, ठीक है, और कहीं पर भी नहीं है, पूरी फिल इन द ब्लैंक है। तो सबसे बड़ी दिक्कत के सामना इन्हीं लोगों को करना पड़ता है स्टेनो वाले बच्चों के लिए, क्योंकि इनके पास सीटीआई कॉलेज अवेलेबल नहीं है, पेंटर के लिए सीटीआई कॉलेज नहीं है, कई सारी दिक्कत करना पड़ता है। प्लम्बर के लिए देख पा रहे सिर्फ प्लम्बर के लिए चेन्नई में और कहीं नहीं है, सिर्फ यहाँ पर प्राइवेट जगह है। तो ऐसे बहुत से ट्रेड हैं यहाँ पर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। फाउंड्री मैन के लिए बहुत कम है देख पा रहे होंगे, कॉस्मोलॉजी के लिए बहुत कम है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोगों को जो भी चीज़ मैंने आपको बताई तो आप लोग चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, समझ में भी आ रही होंगी। तो ये चार्ट की आप फोटो कॉपी करा लीजिए, आप अपना देख लीजिए कहाँ पर क्या सीटें हैं, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग काउंसलिंग कराएंगे। और आप लोग जाना चाहते हैं यदि आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं, यदि घूमना पसंद करते हैं तो आप लोग गोवा चले जाइए, गोवा भी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मैं दिखा देता हूँ, एक गोवा जगह है, गोवा में भी आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ यदि तो यहाँ पर अभी दिखा नहीं रहा है शायद, मे भी एक गोवा में भी है, आप लोग देखिएगा सर्च मारिएगा, मैं देखा था। हाँ शिमला बहुत अच्छी जगह है, आप शिमला में भी ज्वाइन कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, ओके एटमोसफियर रहता है। तो कुछ ही सीटें यहाँ पर ड्रॉप में सिविल मिलेंगी और 20 सीटें आपको एफटी मिलेंगी और कहीं नहीं है। तो यदि और अच्छे कोई सिटी बताऊँगी, यदि मैं मुंबई तो जा सकते हैं, नोएडा भी जा सकते हैं, अच्छी सिटी है नोएडा, आप देहरादून जा सकते हैं, देहरादून में अच्छी जगह है, ठंडे प्लेस हैं यहाँ पर है काफ़ी अच्छी, कोई भी गर्मी अर्मी का फ़र्क नहीं पड़ता वहाँ पर, देहरादून जा सकते हैं, ये देहरादून एनएसटीआई है देख पा रहे होंगे, यहाँ पर कोपा की अच्छी ट्रेड है यहाँ पर है, इलेक्ट्रीशियन के लिए भी है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भी है, और बस इतना ही कुछ है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग इलाहाबाद, जो लोग यूपी के हैं तो इलाहाबाद के लिए भी दिखाओ कहाँ पर है, 40 सीट आपकी क्या कैटरिंग के लिए है, 20 सीट आपकी कंप्यूटर के लिए है, और 60 सीट आपकी कोपा के लिए है, हार्डवेयर जो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं, इलाहाबाद की बात कर रहा हूँ मैं,
तो इलाहाबाद में देख पा रहे हो यहाँ पर 60 सीटें ड्रेस मेकिंग के लिए। देख बहुत अच्छी बात है, ड्रेस मेकिंग के लिए 60 सीटें यहाँ पर अवेलेबल हैं, तो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप लोगों को एक जगह एक साथ एक आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। बस आप इतना करिए कि रुपेश जट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। जो अभी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन्फॉर्मेशन उन्हीं को मिल पाती है जो लोग सब्सक्राइब करते हैं। बाकी यदि जिन बच्चों का नहीं हो पाता है तो ये प्राइवेट ITI कहीं गई नहीं है, आप इनसे भी जाके संपर्क कर सकते हैं और इन ITI में आपको काफ़ी अच्छा, देखिए इलेक्ट्रीशियन का बहुत बोलबाला है, इलेक्ट्रीशियन का बहुत बोलबाला है। पूरे जितनी प्राइवेट ITI हैं वो सभी इलेक्ट्रीशियन कराती हैं। देखिए कितनी अच्छी बात है, इलेक्ट्रीशियन और फिटर उनके पास एक्चुअली ज़्यादा कुछ होता नहीं है, वो इलेक्ट्रीशियन और फिटर को ही ज़्यादा तवज्जो देती हैं। और एक ऑल ट्रेडेड डीजल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक में भी आप लोगों को मौका मिल सकता है। देख पा रहे हैं डीजल मैकेनिक में भी यहाँ पर दो जगह यहाँ पर हैं, डीजल मैकेनिक में भी जा सकते हैं। 80-80 सीटें हैं प्राइवेट ITI में, तो एक भटिंडा है और एक अम्बाला है, यहाँ भी प्राइवेट ITI होती है, आप यहाँ से कर सकते हैं। तो घबराने जरूरत नहीं है, आपको पास यदि कम सीटें हैं तो क्या हुआ, आप प्राइवेट ITI भी प्राइवेट CTI भी कर सकते हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट तो एक ही ऐसा मिलता है, ठीक है। और कुछ बच्चे लोग पूछ रहे होंगे सर कि वो मैकेनिक मोटर व्हीकल कहाँ पर है, तो मैं आपको बता दूँ मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी यहाँ पर आप सीट अवेलेबल हैं। ये मैकेनिक मोटर व्हीकल की लाइन है, मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए भी दो जगह यहाँ पर एक ITOT है, 80 सीटें यहाँ पर है ITOT में जा सकते हैं। यहाँ पर यह ITOT आपकी कहाँ पर है, रोहतक में है, तो हरियाणा में है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो बड़ी बड़ी ट्रेडें हैं जैसे ड्रेस मेकिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फिटर हो गया, कोपा हो गया, देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर ये आपकी कोपा की लाइन है, ये कोपा बहुत ज़्यादा है। ये देखिए इलेक्ट्रीशियन की लाइन है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ है, फिटर की भी काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो एक दो ट्रेडें ऐसी होती हैं जिनमें स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, देखिए मेंटेनेंस मशीन टूल भी है, मैकेनिक मोटर व्हीकल भी है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग कॉलेज से ज्वाइन करें, रिज़ल्ट जल्दी ही आ जाएगा, क्योंकि जो मैंने बात करी थी उन लोगों से, तो उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही रिज़ल्ट आ जाए और सभी लोग को बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप लोग का जितना भी सब कुछ प्लानिंग जो करके रखे हैं वो सफल हो और जल्दी ही आपको कॉलेज ज्वाइन करें। कोई क्वेरी होती है तो मुझे कॉल मैसेज जरूर कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।